उसमें अगर आप लोग लैंड एक्विजिशन के मामले में जिसमें 4 गुना से ज्यादा भाव देने को जब लोग तैयार बैठे हुए हैं और इसको एक प्राइवेट सेक्टर के तौर पर मार्केट अगर खोल दिया जाए जिसमें किसान अपना तय करे कि उसको जमीन बेचना है या नहीं बेचना है, इसमें अड़ंगेबाजी को भी अच्छा नहीं मानेगी पब्लिक? मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं कि अगर आप संसदीय जो समय निकला है अभी तक 2 सत्र कह लीजिए आप, उसमें सिवाय एक हफ्ता छोड़ के दिसंबर वाले सत्र में कांग्रेस और आज के जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सकारात्मक रोल किया है और उत्पादन और प्रोडक्टिविटी कहीं ज़्यादा हुई है इन सेशन में बनिस्पत इसके जब बीजेपी विरोध किया करती थी विपक्ष की हैसियत से। तो हमारा रवैया हमेशा संसद में अवरुद्ध करने का कम रहा है बीजेपी से। हम सिर्फ अवरुद्ध करने के कारण से या उसके उद्देश्य से अवरुद्ध नहीं करते हैं। लेकिन आप ये बताइए मुझे पगलिया जी कि कैसे हो सकता है कि लैंड एक्विजिशन जैसा एक्ट जो पूरी तरह से हमारा सोचा हुआ, हमारा पराया हुआ, हमारा बनाया हुआ, हमारा कंसेप्चुलाइज किया हुआ, कार्यान्वित किया हुआ चीज़ है, उसको हम इस प्रकार से उस पर आघात देखें और चुप बैठें? ये तो हमारे पूरे उत्तरदायित्व की अवहेलना होगी और हम बिल्कुल वो नहीं होने देंगे। और हमारे को इसके बारे में बहुत सैद्धांतिक रूप से विरोध है। आपने कहा अभी कि ये लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि आज अगर आप पूरा मुआवजा लेकर लेना चाहते हैं कुछ तो उसमें कोई आपत्ति नहीं हमारे एक्ट में। जो आपने कहा अभी इसमें कौन आपत्ति कर रहा है? आपत्ति मैं इस पे कर रहा हूँ कि कंसेंट क्लॉज हटाया जा रहा है। आपने देखा है प्रावधान, उसमें क्या है प्रावधान? यह है कि सहमति का जो क्लॉज है उसमें अब लिखा गया है कोई सहमति की आवश्यकता नहीं है। किन कारणों में? उनमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये इतने बड़े बड़े शब्द हैं। इस शब्द के अंदर तो कंसेंट क्लॉज पूरा ही हट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। एक उसमें है राष्ट्रीय सुरक्षा जी, वहाँ समझ आ सकता है। मैं आपके साथ अभी तर्क कर रहा हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा मान लीजिए, लेकिन साथ में लिखा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो किसी प्रोजेक्ट के लिए आप फिर कंसेंट क्लॉज रखा क्यों है आपने? यही बात है सामाजिक इम्पैक्ट वाले क्लॉज की, वही प्रावधान है एकदम बिल्कुल वैसा कि सामाजिक इम्पैक्ट यानी सोशल इम्पैक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जहाँ ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो ऐसे व्यापक शब्दों का प्रयोग करके आपने एक प्रकार से अपवाद तो लिखा है लेकिन